Drone Attack Audio. कुछ ये पता नहीं भाई, मिंत जब तक पूछे तब तक भी होश होगी नहीं। थे जरा पहन ले, मां जल्दी लाओ। दीदी 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 बैठा दे दी थे, बैठा दे। बैठ जा, बैठ। दीदी मी थे बताओ, मी भी तुम्हारी भूली जान छो, किले रोना चाहे तुम का घटे आना चाहे बता दिया। चलो कोई बात नहीं, वो समझ नहीं बोल तुम्हारी बात। तब भाई वो तुम से छोड़ गया,
अरे मी खतिन लगनो छ तू एथे मालूम हालो कि ये बेडो दो घर छ तभी छोड़ेगा ओले अख चलो ये ठीक ही भाई चलो ये तो ठीक ही हुई क्या ये थे भी अपने घर समझा अच्छा तू अपन कह दी दी थे कुछ खाना करनो खवा दी हैं अम्मी थे देर होने छ भाई मेर दे बने नौकरी देर हो जाली तो फिर आ जाए दिहाड़ी भी गए अरे मैं चलो छो अच्छा चुप हो जा दीदी तुम घबराओ ना मैं तुम पर खान लाऊं दीदी मैं तुम्हें भूल जान छु मीठे बतावा क्या बात छे दीदी पहले कलियो खा लिया फिर नहा धो के आराम कर लिया बोली ये सब भागे बता जन खा ले दीदी खा ले अपनी खैरी में बता अपनी खैर लगाने से जो हल्को हो जान कहीं ये चिट्ठी विचार समित है कि तेरी चिट्ठी है तो सोच उचा है तो त्यार नहीं मैं कार आए तो मैं तो पता लगे चाहे तार तार खुशी भी आंद और दुखों भी आंद पर मिल जानी कि ये तार मा आज झणी कह को भाग्य दुर्भाग्य हो भरतू मिल जाए आज दिल अपनी भूय को अपना बाबू को नौ इन डूबे दे कि अब जिंदगी भर में जिंदगी भर में ये गलवाद क्या अपना ख्वाब तब भी नहीं घूम सको निस्वास दिल न तिर हुई बुए का बारे में सोच और ठीक सब ठीक ज्ञानी मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता तुम इसका बड़ी बात की लाचा बना जमीन तुम तय अपना आलो तब वो चीज जो तुम तक प्यारी थे मैं तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी प्यार था लोग मैं तो बहुत डराना चाहे पर तू सब गलत साबित कर दिखा दे मैं तो यही चाहूं कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुआ जैसे तुम तक दुख पहुंच पर एक बात च मी चाहूं कि भरतों का दगड़ खेलना पड़े एक भुला एक भुली हुई दत्त हरिया में बुरे भी क्या च बुरे तो कुछ नहीं पर मी चाहूं अभी कुछ साल और ना काकी भरतों की देखभाल में कोई कमी नहीं रह जा जैन तो था अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार समझ आखिर आखिर परदेश में जाएगी
के वाई जो थे मैं आज तेरे चाइना को आटा करूं न मिल आज तक कैसा कोई दुख दिए पर ये दुख पर तू ये दुख के दिल में थे दिल जाए मिठाई दिन जाते बार तो क्या दुख दिले मिठाई दिन जाए मैं तो बोल तेरे से दिखने से पहले ये वहाँ का बुझे जाना आज कनेगे हाल हमारे पितर कनेगे न उससे रहा देवता कि जो आज दिल मिठाई इन्हें दिन देखने को ना पो कि ये दिन देखने को नहीं ये कम तक चाहिए जिंदगी बहुत लंबी है भरतू पर तब बहुत छोटी जिंदगी का याद है बहुत छोटी जिंदगी का याद है मिला भी सुख बहुत चाहिए बहुत सुख बहुत चाहिए तेरी बुई ते बहुत सुख दिन चाहिए और आपको बड़ दुख भरतू बाबा ये चाबी ले कंचा से आदम उठो भरतू बाबा ये उठो ना भरतू बाबा भरतू बाबा ना करनी चाहिए इन्हें आ दी परसों क्या करनी चाहिए पढ़नी से आई माँ का कक्षा घास कौन चाहिए जाए पहचान छू बड़ भाई छू बड़ भाई
और बाबा घर सब ठीक ठाक? हाँ बुआ ठीक छे? हाँ बुआ भी ठीक छे। और नात नतरा भी हुई? हाँ दुई नतरी छे तेरी। ओ बहुत बढ़िया छे। ये औलाद राज खुशी रहन छे आंद दिनो अन बहुत छन बाबा आज जमान मा। बस मां सब तैयार आशीर्वाद ए पर थो शियो छो सेन देवे थे। अच्छा तू बैठवा मिति कुन चा बना गला। हां बणो। अरे बेटा आवे थे घर आज कि जब सारे मुंह भी सीखे कम से कम अब आ जाने ध्यान तब कदो भलाई से बिचर क्यों जी बहुत बड़े आदमी से और अपने घर बार देखेंगे। जी तू रोवा ना माँ भगवती सब ठीक कर रही। चुप हो जा पवित्री तो बच्चों से तैयार कर दे मैं उठे स्कूल छोड़ आऊं। ठीक छे मैं माँ जी चाय पिला दूं। जमा चाय पिला बस 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 सब ठीक हो जा चाय पे चाय। माँ तो अपर दिल बच्चों लगाया कर देख तिल आज तक कैक बुर निकाय पर तो जग भी होलो राज खुश होलो। अरे बेटा जुकिर मार राड से पड़ी रहा जब तुम लोग गरम ले दो ना तब तो जरा जीव लग भी जा। और जब बोल माँ जो त्यार दिलम से बोल वही से मन खलक हो जान। बेटा से सूची करे चम जान मी चांदू मी दगड़ रह जा दिन मा कम से कम जीव तो लगूं रहा। पर जी बिल तुम तो बहुत तंग कम बहुत शैतान जो तो। हाँ माँ वो बहुत शरारत द बेटा तू भी ना ये बच्चा शरारत निकाल तो हम बुढ़ोन कन तू बस मेरी बात मान ले। हाँ ठीक छे जी ठीक बोला थी। अरे उनकी दुनिया देखी छे हम क्या बोल सकते। देख जब बरकत का समझदार दे। देख माँ जन तुम उद्योग मर्जी मैं नहीं करूँ ना। ठीक चलो अब तू रोट खा ले। ज्यादा दिख पास ज्यादा दिख पास अरे बारी से रुचि तो नाराज है खेल गया। हेलो बाबा एक पास नहीं आला और ले ले का छोड़ी दिन दा तू मैं अकना क्रेचन छोड़े छे। अब दादी आई आ माँ दादी दगड़ रहे हैं। अरे बाबा ले अब है ना बाबा देखो तो बस तुम्हारे पास देखो और क्या बढ़िया ना।
चलो सुबह नींद निकल दादी के संग सोना सासू जी तेरे को आपको इधर ही पास सोना है अरे वाह मम्मी के पास नहीं सोना अरे बुआ रही आन दी आन दी आ रही देखा बहुत दादी वाला वेगी भाई भाई मान गए थे अभी तो क्या मनाओ अभी अगले आने देखो के जीवन बुआ रही आज ऑफिस नहीं जा सी रहा तुम लोगों ने हैं से सूरज निकल गया लो चल लो तो बात तो ऑफिस नहीं जा रहा माँ जी यूं तबीयत बहुत खराब थी यार पार्टी पता नहीं क्या कह रहे हैं लोग रात भर बड़े सहनी थे बंद ज्यादा खराब हाँ आज तो ऑफिस नहीं जाना मुश्किल था वारी तो ते भरतू ध्यान रखवा काम काजे चिंता ना कर चलो उठा भाई चाय पेला सोना जाओ चाय पेला मिलवा चाचा रहने दे ब्याह कक्षा पे तू ब्याह में तो जहर आ रहा है जहर है तो घर पर ही रह फोन ब्याह में तेरे कोई जरूरत नहीं है क्या भाई के तोड़ दी ना बड़ा ली ना मेरा भांडा तेरे पास कोई काम काज नहीं रह गया तो निकल जाए बड़े तेरे काम में कोई जरूरत नहीं और उन भी हमारे काम में रह गया अब चल सर छोड़ दे तू कभी तो बुखार का भी कुछ कभी कुछ क्या बोलो सुमी छोड़ दे ये काम तेरी जरूरत नहीं हमें उन भी हमारे काम में रह गया वारी ये विक्रम कला चल गया ये देख ले माँ जी काम छोड़ के चल गया हाँ? कि तू मर जाना में एक आदमी और बढ़ गया तनखा बड़ा होगा बताइए कोई बात इतने साल बैठे काम करूँ जब एक नखरा जाएगा जरा अच्छा परेशान ना हो हैग मिल जाग अरे माँ जी ये तो बात दिल्ली में भगवान मिल जाए पर काम वाल नहीं मिल सकते तो क्या भाई नहीं मिल तो ना सही अरे हम कोई मोर गया है हर तो दीदी आदन भगवान है हम अभी कर माँ जी तुम कन के कला थे काम अरे चिंता ना करो सब काम अपने तो कर दो Thank you.
थोड़ी देर और सी जाए। ओहो देर होनी चाहिए भाई। अरे देर क्या की, सर रा काम तो माल के आलोल से जा। मैं बेना इतने देर से उठला माँ जी के बोले ली। क्या बोले ली? ये नहीं ना कि बुबा 12 साल तक नौकरानी सही तो क्या हमल काम भी नहीं गाई। अरे अब तो हमारा बच्चा भी बड़ा होगी, अब नौकरानी क्या जरूरत है। दादी 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 मी कुण अबेर चूनी अबेर होनी चाहिए तो दिन के कल क्या बात चल रही थी बाबा है कितनी दादी हाँ? मेरी डेरी नहीं मिली ढूंढ देना। अरे बाबा देख ले तकिन धरी वेल तेर डेरी नहीं मिली तो दिन क्या करने ढूंढ ले हाथ कुटे टूट गया क्या तेरा है तो क्या तू अरे ना दिमाग खराब ये कंचर अरे सच्ची तू क्या बुनी रहे थी दी तू तेर वाह दी चीज के तुम दादी नहीं छा गया वाकी तो क्या बाबा वाह तेरा हम तो उन भी बुढ़िया भेगी आप बुढ़िया आदमी की इज्जत नहीं होनी तो बाबा जल्दी ना सर अरे मेरे लाल तो बाबा जावा रुचि तू आगे बाबा सुचि कक्षु आनी छु दादी दादी अरे के बात छु है आज बड़ी खुश नजर आए थे है नहीं और आज ये क्लास में फर्स्ट आई हूं सच वाह भाई वाह और रुचि तू छोटी क्लास में तो हर कोई फर्स्ट है जान छुट्टी क्लास में पवित्री जरा चमक देर होनी छ हां आनु छानु पर्स ले पर्स मां जी हम जाना छो या वो सारा काम पड़ो छ भांडा भी छ कपड़ा भी छ पर तुम नहीं करया मैं क्या फिकल और आज रा लेट है हमल पार्टी में जान अच्छा जरूर बन के ले आके दादी तू चिंता नहीं कर मैं अपना जेब खर्चे बिटी लेके आई हूँ तेने मैं परेशान हो गई छो तू माँ की पूरा धोती पहन पहनी तेने कह मनी बोली हाँ पर मीन क्या कन बाबा ये के लगा क्या आज भी बाबा आएगी दादी तितने मेरी कसम कैसे बताए ना हाँ दादी मेरी बात याद है कि हां कह रही थी तू हर समय दादी की दगर चिपकी कितने क्या गलन होई दादी ए मां देख ले इते ये सुची मीना आंदा अब पता लगेगा 2 महीने बाद जब अकेला स्कूल जाई ली दादी बाय क्या बना ला माजी इन्हें धोज कट बदले हो तुम
लहन का गुजिन छे बाबा, ये तो म्यारी कपड़ों में पड़ी छे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी तक झूठ भी नहीं बोला माँ जी, ये तक अंधी भी नहीं छो मैं, लेकिन मैं तो नहीं है पुरान धोती पता नहीं चाल कि रे जी झूठ बोलो छो मैं। माँ वो भी तो ठीक ही तो बनी छे, आखिर तो पता अकेले नहीं दीदी के कैल दिया थी शे धोती थी। अरे दीन कैल छाई हमारी चोरी जारी कह के लिया लुका बटे बुआरी, इतका बड़ी गाल ना दी माँ सी भरत ते तम या फिर जान से भी ज्यादा प्यार कर और उनमी मीन में था अब से अलग कभी नहीं माए। अलग नहीं समझू तभी तो चोरी कह के गऊं की इज्जत बढ़ाए तुम ने। पवित्र गुस्सा शांत कर। सोना सोना जरा ध्यान से सोना, कतक सफे सही तुम तो सोचल नोन बटे आल, मैं तो मुर पहली बोलू छे कि मोसाण मां मोसाण में हूं पर तुम ही छे ना बहुत मां वाला बड़ा। मां तू बता किले नि दिन किले से तू करया करया पर पान खतनी दा बाबा पान तो मैं यार भागुन पार दी मैं अभी तक बचू छु देख रही इन बुना जन के अमित है बहुत दुख दीना वाला। हां बारी इत म्यारी जीव जान कि मैं कत का सुखी छु तो जरा मैं बच्चों मुक्ति की। हां हां तू मुनी तो पड़ी हमारे बच्चा हम तो झक मार देखा तुम ये हुन भले कने नतीजा। अरे हमारे क्या है गोया भरी सब पानी फेरा ले हे हमार क्या धरा तो कोई नाम ही नहीं उल्टा हम पर चिल्लाशन लगाना इंजे कि जब तुम से सुख मिल लो जा पकी जाओ और शांति करा। पवित्र गुस्सा शांत कर मैं ब्याज यही सोच रहा हूं ये से बढ़िया मैं यार कोई कुकुर पल हूं कम से कम हम पर गुर्रान तो नाच। ठीक जो बेटा ठीक अब मेरा कहां है कुकुर बराबर भी नहीं रहे मां। ठीक तो बाबा ठीक चल पवित्र भीतर चल सरा छिटिंग नाच कह दे। बात छे किले छे हल्ला मचानी देख दादी करा सुनने लायो दादी के बात छे आज जुगल जोड़ी घर में कन छी ने ना बाबा यन्नी बोल दे बे बाप सन तो आ रे बात छी सोचना से भाई मेर समझम ए न्याण छ कि मां थे ये दूध को दे सके हमर पैथर कौन इनको धनवान पैदा हो जाए। अरे पैदा वैदा कोई नहीं वै तुम्हारे मां थे मैं अच्छी तरह जान दू साथ बुझी मटे पैसे बचे दी नोल दूध कम लान दो रे अब पानी गबगे दी नोल वे और तुम्हारे खीसन बटे भी चेंज वे सब साफ कह दी नोल। हां हां बात तो कुछ ठीक बनी है जी मैं कभी गलत बोल सक दू पर आज तिल माग जब पूजा का है ना आहा मजा आएगा। या तो भूली मेरी कहा है तू मान या ना मान आज से तुम मेरी दीदी छो तुम्हारे दुख में और दुख छो आज बटे जो भी ये घर में रुख सुख छ हम सब मिल बांटे खेल ल
छलमी छौ बैठ्यू बागल म मेरा नीरू बोले छलमी छौ बैठ्यू बागल म मेरा नीरू गुण 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 छकनी निकली मेरू नो अचण चकी अचण चकी अचण चकी अचण चकी वी बात तुनी बोलनी रुपी बात तुनी वी बात तुनी बोलनी रुपी बात तुनी छे बल छल तू छे बैठो पागल म तेरा नीरो बल छल तू छे बैठो पागल म तेरा नीरो गुंगनाट कंद मा निकल के होल तेरो नो अचड़ चकी अचड़ चकी अचड़ चकी अचड़ चकी पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी तेरी छालियां क्यों मनी रूमित अपते देख दू प्यार है सुन बोल मनी रूमित अपते सोच दू तेरी छालियां क्यों मनी रूमित अपते देख दू प्यार है सुन बोल मनी रूमित अपते सोच दू जी भी बुन बोल दी दो टेम पे फटाफट 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 पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी दगड़िया सोंजड़ मकर दिखिले मेरी बात तू तेरी दगड़िया तेरी बात मी माँ बोल देनन दगड़िया सोंजड़ मकर दिखिले मेरी बात तू तेरी दगड़िया तेरी बात मी माँ बोल देनन छोड़ दगड़ियों तेरी आँखी तू बोल लगी छन झुक झुकी झुक झुकी झुक झुकी झुक झुकी पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी पर तनी कोई बात नी नरी तनी कोई बात नी
अरे नीरू। हाय नरेंद्र। तुम यहाँ कैसे? एक स्टोरी कवर करनी थी लेकिन कर नहीं पाई। इस जगह आपकी बाइक को यहाँ देखा तो रुक गई, सोचा क्यों ना आपके साथ कॉफी पी के चले। किसकी स्टोरी कवर कर रही हो? चले चलो। अरे रुचि, तुम तो कह रहे थे तुम किसी और को भी साथ लेके आ रही हो, पर अकेले अकेले आती होगी? पहले ये तो बताओ उसकी नौकरी लग तो जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खूबसूरत तो है ना, मेरा मतलब तुम्हारी तरह। तुम्हारा तो हर मतलब मेरी तरह होता है, शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? शादी तो अरे तीन तीन करी थी लेकिन क्या करूँ, तीनों ही छोड़ के भाग गए। अगर तुम नहीं मिलती तो कोई और मिल जाती, मेरा मतलब तुम्हारी तरह। हेलो, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक आपके मूड को क्या हो गया? हाँ जी, ये लड़की ना मुझे गढ़वाली लग रही है, और ये लड़के कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। बस आपको तो अपने गढ़वाल से इतना प्यार है कि हर कोई आपको गढ़वाली नजर आता है, लेकिन ये लड़की गढ़वाली नहीं हो सकती क्योंकि गढ़वाल के लोग इतने बेशर्म नहीं होते। भगवान करे तुम्हारी बात सच्ची हो, लेकिन गढ़वाल के परते मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। इसकी बातों से और शकल से पहाड़ी पंजे लगता है। हाय मीना। हाय रुचि। रुचि, ये तुमने तो यक कक बुलाई। बैठना, तेरी नौकरी के बाद से चलनी, इनसे मिलिए, ये है कालू भैया। भैया नमस्ते। और ये है सनी जी। कालू भैया नाम है मेरा, वैसे मैं किसी का भैया भैया नहीं हूँ। और ये है मेरी फ्रेंड मीना। हाँ तो मैडम, किस तरह की नौकरी पसंद करेंगी आप? बस ठीक ठाक, जिससे घर में गुजारा चल सके। चल जाएगा चल जाएगा। और घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई है। और पिताजी? पिताजी तो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ तो मीना क्या खाएगी? कुछ नहीं यार, उनमें मैं बाहर कुछ नहीं खाऊंगी। क्या कह रही है मैडम? मना कर रही है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ देंगे, अभी तो पहली मुलाकात है। रुचि, अरे इन नौके कर दे तू, इन नौके करने से तो भूख के मरना भर जो। मैं भूख के मर जाऊ पर इन नौके कभी नहीं कर सकती। मैडम तो बड़ी तीखी लग रही है। आ जाएगी, आखिर जाएगी कहाँ, है तो साली पहाड़ा नहीं। जुबान को लगाम दे वरना मरना। मरना क्या, खड़ा है ना जितना जमीन के ऊपर, गाड़ दूंगा जमीन से नीचे। हिम्मत के दाद देनी पड़ेगी तेरी। अरे तू है कौन है? नरेंद्र नाम है मेरा, और जिस पहाड़ीपन को तू गाली दे रहा ना, उस पहाड़ का ही पुजारी हूं मैं। याद रख, उत्तराखंड देवभूमि है और हम वहां के रहने वाले। तो उत्तराखंड का है ना, तो अपने उत्तराखंड की दोस्त तू हमें यहाँ को दिखाता है, वहीं जाना। इतना मत भूलना कि अगर उत्तराखंड देवभूमि है ना, तो उसकी हवा यहाँ भी बहती है। अरे जिस गंगा जल को तुम हरिद्वार से ला के अपने भगवान को पवित्र करते हो ना, हमारा नहाना धोना खाना पीना सभी उसी गंगा जल में होता है। हमारा रोम रोम पवित्र है, कभी हमारे जज्बातों से मत उलझना, समझा? छोड़ो, कहीं जाहिलों के मुंह लगे हो तुम। दीदी चाय पी लिया, ठंडी होनी चाह। भूली, तुम लोगों की वजह से यह दुनिया बची। जो दीदी तुम भी ना सच बुनो छो, ये
आज के लग जमन में लोग अब तो नहीं पूछ दन हाँ अब तो से तब का प्यार दी चाहिए मिता दीदी मैं तो इधर जान दूँ कि दुई दिन एक जिंदगी चे जो दूसरों को दुख समझ दो वो तो अपन हों खत का सुंदर विचार छन त्यार पर एक बात जो भूली तुम मिता ने म्यार गाँव भिजवा दी क्या दीदी यह कोई तकलीफ से क्या ना 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 ये तेरे पर बात ना बोल त्यार करूँ तुम्हें दस जन्म में भी नहीं चुका सकूँ ये तुम लोगों को सहार नहीं होंद तो आज पता नहीं कब भटकनू रहा पर दीदी डर जाए कि तुम क्या करना वो कोच अब ये गाँव तो छेंचो ना अपुरु गाँव छेंचो वो किरो वही कारल मेरे देखभाल सुना दीदी क्या बुनी छन क्या बुनी चा डर जाना कौन बुनी छन पर दीदी जब तुम थे पर गांव जाना को मोटर गाड़ी पता है नीचे तो आप ये भी कर जेली इन कर दा कि पहले तुम भी थे पर गांव को पता बताओ मैं वक्त चिट्ठी भेज लूँ और जब जवाब आ जाओ ना तो तब मैं तुम थे खुद वक्त छोड़े कौन यो म्यार घर च या कर तुम थे कोई तकलीफ दे भाई मेरी जिम्मेवारी भला से बात तो ठीक च ये मोटर गाड़ी में तुम्हें कुछ नहीं जान दो पर हाँ गाँव ना हो तो बताई दे ओलू जरा लिख ना बोला गाँव नाव चुनारू भुकना और रुद्रप्रयाग तहसील और हाँ जी और बचावाल जरूर ऊ नाम चु हरदेव प्रधान छ गाँव उनकी नाम पर भेज दे तू ठीक मालूम तो किसा मालूम है तुझे मालूम तो बता दीदी बता दीदी बता हराम जादो बच्चे पे हाथ अजमाते हो हिम्मत है तो मेरे से दो दो हाथ करके देखो बचाओ हराम जादे उस दिन तो तू बच गया था पर आज हम मिलके तेरा वो असर करेंगे कि तू भी याद रखेगा क्यों हाँ कुछ न कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा अरे इन नौके कर दे तू इन नौके कारण से तो भूख के मरना भल चो मैं भूख के मर जाऊ पर इन नौके कभी नहीं कर सकदू ज्यादा तो नहीं मारा ज्यादा चोट तो नहीं आई तुझे अरे आप आइए प्लीज बैठिए ज्यादा चोट तो नहीं लगी इसे नहीं ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ लेकिन अगर आप टाइम से नहीं आते तो वो लोग तो इससे मार ही देते मार कंदिंदा वो राज हूं क्या अरे भेजी आप गढ़ वाले छावा भेजी ये ना तो सुनना खड़े में जिंदगी भर तर सोचो देख बोली तू अब फिकर न कर मैं ये रिश्ता फर्ज जरूर नहीं बोल अब कुछ नहीं होता चुप कर रोना तुम बैठा मैं तो खाली दिल होना चाहिए ये तो ज्यादा चोट नहीं आया मैं दोबारा बोलू माफ करना माजी चरणजीव रो बेटा कथका संस्कारी नौन तू नीरू Thank you.
क्या बात है, आप आए हमारे घर, खुदा की मेहर है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। चल चल अब ज़्यादा मत रह, लगता है आज मकान मालकिन घर पे नहीं है, अब जल्दी से तैयार हो जा। तैयार हो जा? अरे भाई तेरे हिस्ट्री के आज दो चार पन्ने और मिल जाएंगे। जो हुक मेरे आका, मैं यूं गई और यूं आई। करदी रख रख झुकड़ी करदी धक धक, आंखी करदी रख रख झुकड़ी करदी धक धक, बन बनी का काद नखरा नखरो मां सभ्यों की टक, बन बनी का काद नखरा नखरो मां सभ्यों की टक। इनी रू का नखरा देखा जरा, इनी रू का नखरा देखा जरा, देखा जरा।
रुचि रुचि ये मेरा नरेंद्र भैजी जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और पार्टनर बढ़िया? और छोटो तो नहीं आए थे उस दिन? चल पढ़ाई कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लगा भैजी। रुचि के भंडे जान पहचान च और नौकरी तो ये इन्हीं लगा दें। रुचि तू रेंज कर से और मीना तो करती रहे दोस्त का गोड़े अंकल अंकल तो अंकल ही बोल ले प्यार के बेटा अंकल भल लगनो छे भल लगनो छे ना ना मेरे पता तो भल लगनो छे ओ ये हमारे गड़ो में मां अंकल ठीक नहीं मन चल तो चाचा बोल ले ठीक छे ठीक मैं चाचा ही बोलू और को कुछ घर और मीना तो बढ़ जाने दी सभी सवालों के जवाब मैंने एक दा कन के दिन तो घबराने के लिए अच्छा ही एक एक के एक बता दे तब ठीक छे मैं नोचु रुचि घर में मेरी माँ पिताजी और छुट्टी बोली छे सुची वाह 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 क्या बात है रुचि तू रेंद कब छे चाचा जी आज कल हम पालम रेंदो अरे से पहले विनोद नगर तेरे पेस के कर दे कुछ ना किले पिताजी का एक्सीडेंट हो गया छे ये वास्तव बिस्तर में छन मेरी माँ भी नौकरी कर दी छे पर अब उन भी नौकरी छोड़ दिया ही पिताजी की देख रेख माँ सारा दिन इन्हीं बीत जान एक खुशहाल परिवार बेहाल हो गया और हम पालम में गया छोड़ बोल क्या तेरी चाचा जी वो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ी को घोरम बैठी जी दिल छोड़ना कर बेटा वो सब भाग्य खेल भाग्य का करने कहीं नहीं चले थे अब मिथे देख इन सब कुछ और कुछ बिना ये सब तो वक्त का खेल है वह हमें जैसे नचाए वैसे नाचना पड़ता है अरे आप तो नून गढ़वाली होके सब समझ रही हैं ये सब मेरी दोस्ती का असर है अरे रुचि मीना कब से वो तो चल गया चल गया अरे पर तो दगड़े ही छाई हाँ इंटरव्यू देना कुर्ता ही छाई सिलेक्ट भी हो गया परवीन कुछ नहीं बताई और चल गया रुचि यार मुझे भी नौकरी दिला दे इस नौकरी में मैं तो थक्के खा के थक चुकी हूँ हेलो देख के रही है मुझे भी इंट्रोड्यूस करवा दे और नहीं करवा सकती तो कम से कम कार्ड तो दे दे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है ये ले मेरा कार्ड
और चली जा। और हाँ, मेरा नाम बता देना। थैंक यू, ओके, बाय बाय। रुचि, तुम्हें तो अच्छी घर लड़की लगनी छे। मैं यार बोलियो मान, यूं चक्रो में ना फोड़। की रंग कर दी तुझे नौकरी? अरे तुझे पता छे कि तेरी कंपनी में तक नौकरी दिलान तब सोचे अंक बारे में? मैं यार काम से इंटरव्यू तक वो क्या कर दिन क्या लेन दिन मुझे कुछ पता नहीं। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अरे कहाँ निजान दे तू? तेरी जान पहचान वैसे तो लोग नौकरी करना चाहती। मैं यार बोलियो मान, ये नौकरी छोड़ दे। छोड़ दियो? मैं नौकरी छोड़ दियो? अरे तुम तो पता चल यार घर हालात। अब सच्चे से मनाई तो घर के हालात बाना घरों को। चल आज तैयार घर ही देख लू। अबे ओए, हाथ छोड़ लड़की का। क्या कर लेगा? फिर पकड़ के दिखा। जानते नहीं है कौन है? हम भी तो जाने कौन है। ये भतीजी है मेरी। अबे गढ़वाली, गढ़वाली होने से रिश्ते नहीं होते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी कहानी। अगर उस मोटे पहाड़ी, क्या नाम है उसका, बनवारी, हाँ, तुझे अपना बेटा ना बनाया होता ना, धक्के खा रहे होते रोड के। चाचा जी, यूं कब मुकने लगा? जा जा, चूड़ी पहना ले इसे। ए! अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? चल चल चल, चल। देख लेंगे तुझे। ये थी मेरा पिताजी, ये थी मेरी मजबूरी, देख रहा था तू? तुम बेटा, मैं पाल लाऊं। खुशी है तू तो हमारे भगवान निकल गए त्यार खोटा इत शुभ पड़ी है घर पर भाभी जी डॉक्टर क्यों होना चाहिए कुछ ना बेटा चोट लगन से यू कुछ नस दबेगी वो बल्ब धीरे धीरे ठीक होली ये तो फिर अचानक हुई कुछ मिलन से फर्क पड़ सकत भाभी जी अब आप चिंता न करा अब तो भैंसा वक्त देखभाल करना खड़ी मैं भी आना रोन जब जब मेरा टाइम मिला लो मैं जरूर रोन भगवान पर विश्वास रखा भगवान सब ठीक कर दे अच्छा मैं चलता हूँ फिर रोन अच्छा भैंसा Thank you.
सुची बेटा बैठो ना। अरे तू तो बहुत समझदार होनी चाहिए हाँ? जितने कहा था बाबा हाँ? माँ बाप हट जाते। अरे तो तेरा माँ बाप ना दादी भी तीनों की माँ बाप है। दादी हाँ हाँ दादी मीठे पता जिन मेरे दादी क्या करी मगर मेरे दादी कभी कुछ नहीं बोली। अगर माँ बाप ही नहीं तो मीठे नहीं चेड़े माँ बाप ना बेटा ना माँ बाप का नहीं हुआ हमेशा पूछने होने सब किताबों के बच्चे जी हकीकत क्या मीठे पता जी मैं दादी आलियों की वजह से मीठे ना छोड़ी थे ना चली गई ये देखा मैं लाई धोती भी छोड़ी थी ना चली गई मैंने अपना जेब खर्चा बटी की वहां से नहीं धोती ला चो वहां पहनी भी चे मगर पता नहीं क्या वे मीठे ना छोड़ी चली गई ना बेटा ना मैंने नहीं ची मिल जाए दे सोच तो तू ले जाए हाँ मिल जाए धोती मैंने कभी अच्छे लग जाओ कि मेरी दादी तुम्हारे पुराने धोती देने पहने हे भगवान और हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल दे पर तेरे दादी ने हमसे बताया कि लेनी ची दादी दादी नहीं लेनी बताया कि लेनी दादी तेरे अपनी कसम दे चाहे सुनना चो ये हमसे कतक बड़ी गलती हुई है उन हम आप समझे और हम लोग के पता नहीं सुने दे ये सब हमारे कर्म फल छी जे दिन बटे वो गया ना ये घर सुख चैन सब दूर रह गया एक बटे हे भगवान हम तो नरगम भी जगह नहीं मिलन ये हमसे क्या गलती हो गया भाभी जी शांत हो जाओ सुचिक दादी भगवान चाहो तो जरूर पता चल जाओ बेटा हम गुरु तू ही भगवान निकली जब जब तिल ये घर हम खुटी रखी तब तक कोई ना कोई शुभ काम जरूर है माँ मैं जानू छू रुचि तो थकन जाना जरूरत नहीं बेटा क्या बताऊं अब तो एक ही कमे से सारा घर खर्चे चलू छू भाभी जी अब ये घर जिम्मेदारी मेरी छे सुची बेटा चल तो सुनिए
हेलो आशीष, योगी स्पीकिंग, कैसे हैं? हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ओके यार, वो मंजू को उधर भेज दिया और ये को। हेलो, माय सेल्फ इज न्यू सर। छोड़ो, कहीं जाहिलों के मुंह लगे हो तुम। नीरू, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू सर। मुझे रुचि ने भेजा है। रुचि सर, टाइम क्या होगा? ढाई बज रहे हैं। थैंक यू सर। क्या लेंगे आप मैडम, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स। मैडम आप ये फॉर्म भर दीजिए और हाँ, नाम बदल कर। क्यों सर? हमारे यहाँ कॉल सेंटर में जगह खाली है, आपका काम केवल कॉल सुनना है और कॉल पर अपना नाम ज्योति बताना है। यस सर। सैलरी क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? सर फाइव फिगर में तो होनी चाहिए। तो ठीक है, हम आपको 15,000 देंगे और साथ में कार। तो मैडम आप अपनी फोटो लाई हैं? सर फोटो तो नहीं है। कोई बात नहीं गालू, मैडम की फोटो अपने कैमरामैन से खिंचवा दीजिए। ठीक है सर, तो आइए मैडम, चलिए आइए। नमस्ते। नमस्ते लाल जी। नमस्ते। देख नरेंद्र, उठो आज से अपने आप उठने की कोशिश करना चाहिए। सची तू बहुत भगवान है, तेरे वजह से हमारे घर ना दोबारा से सुख शांति आ गया। रुचि कल से? रुचि भीतर से। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाऊं। चाय? तू ले चाय बना के? हां मैं चाय बना के। शाबाश, देख यार दीवर जी कत समझदार हो गए। देख यार कत रे अच्छी नौकरी के लिए तन मिनत है, बोल कर लीचा मिनत आई। तू देख, देख क्या छी? चाचा जी मिथे नहीं पता छाई कि वो लोग हमर दगड़ीन करला। अरे क्या मुख दिखा लो क्या दई? उन तो बोली छाई कि वो ते अच्छी नौकरी दिलाला। तिलु देख कल जुगनी छोड़। अच्छा मैं चल दूं। कालू देख यार, ये वही लड़का है। हाँ यार, ये तो वही लड़का है जिससे हमारा पंगा हुआ था। आने दो साले को आज यहीं काट के फेंक देते हैं। नहीं, अभी हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करो। अगर रुचि ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारा सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। मुझे तो उस लड़की ने पागल कर दिया यार। क्या नाम है उसका? कौन, नीना? हाँ हाँ वही, ना जाने क्या कसक है उसमें। अरे तुम इंतजार करते रहो, परवाज नहीं आने वाली। मैं भी देखता हूँ यार कब तक नहीं आती है। शांत रहो, पहले ये सोचो कि वो हमारे चंगुल से निकल ना पाए। ओह तुम लोग यहाँ, आज अगर भगवान से मैं कुछ और ही मांगता ना तो वो भी मिल जाता। हम तो हर एक के अंदर आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, जो हमें याद करता ना हम वहीं पहुंच जाते हैं। कमीनो, शरीफ और लाचार लड़कियों को बहला फुसला कर गलत धंधों में डालते हो। जा यार जा, तुझे जो करना कर ले पर हमारा दिमाग मत चाट। कैसा चला जाऊं? पहले ये बताओ ये फोटो किसने और कहां छापा? तुमने पुकारा अरे हम चले आए। चले आए के बच्चे, ये क्या है? क्या बात है,
ये तो मेनका को मात दे गई। बहुत देर हो चुकी है, तुझे बड़ी देर से समझा रहा हूँ, पर तू है कि वही एक मुर्गे की टांग। माया की झोल चिया, वो बड़ी
क्या बात है, इरादे तो नहीं कहना। ये कैसे हुआ? तो ये छोड़ और अपने रिपोर्ट बता। मेरी स्टोरी तो लगभग पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। लेकिन तुम देखना, एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इसीलिए तो आया हूँ, तुम उससे दूर रहना। कहीं उन लोगों को हम पे शक हो गया तो तेरी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ये लग रहा है कि उन लोगों को शक हो गया। चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। रिक्का को बैठा है चिट्ठी। अरे दीदी कोई मेरी चिट्ठी भेजी, सामने जवाब आ गई। क्या लिखूं जरा पढ़ी बता दी। ये मैं लिखूं चाह आदरणीय जगत सिंह जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कर दूं, जय की वजह से हमारे गांव को नाम बदनाम होने से बच गया। बुआरी जी का बारहवा पेड़ी की बहुत दुख हुआ है। अगर आप लोग ज्ञानी जी की मदद नहीं करदा तो बेचारी पता नहीं कक कक धक्का खांदी। आपसे एक विनती और च कि जत का जल्दी हुए साक ऊँथे एक भेजना को प्रबंध कर दिया। खर्चा पानी की चिंता न करें, हमारे यू गाँव हमेशा आपको ऋण रालू। आप ते एक बार फिर उत्तराखंडी होने को धर्म निभाने के वास्ते धन्यवाद। इति बुला। ठीक ही बुना चंद। हाँ। तुम लोगों में तो सार नहीं दियो मान दो तो आज मेरे क्या दुर्घटना में अपर घर तुम्हें जा नहीं सकुचा। और यक के परदेश में मेरे दुर्गति उड़ जाए। अब तुम लोग प्रताप मैं फिर देवभूमि पौंजौल और मेरी काया वगत माठ में मिल जाए। तुम दो धन्यवाद धन्यवाद तुम दो तुम दो धन्यवाद। ये अपर गांव अपर गांव वक्त कोई कहकन कुछ नहीं बोली औलाद नहीं भी वाना तो बुजुर्गों की दुर्गति नहीं होती। सो बात है अपर समझदान सो में था अपर समझदान। दीदी तू बात तो 100% सच बनी छे पर यह खाको दुख दर्द कोई नहीं जान दो। यह एक तो निरोजगार नहीं मिल दो, आज जो कहते रोजगार मिल दे ना तो वैसे वे गुजर अपड़ी बड़ी मुश्किल से हो सकते। फिर इन माँ है क्या जिम्मेवारी कहलकान कह ली ना मुला। बुनू तो तू ठीक ही छे पर जीव बढ़वा ना तो सब कुछ वे सकत। अब तू हफ्ता ही देख ली जान ना पहचान और तुम लोग उन मेरे का सेवा कार्य मिताहपुर बना दिया तो उधर न संस्कार। दीदी रो ना, तुम्हारे जान से हम तो भी इतना खुला करना है पर जाना तो चाहे जो मैं खराब तो मिता भी लगना चु बोली काया जानी चु मेरे जीव तो यकीर आल न यार तुम लोग उधर पूरे 10 दिन हो गए
लेकिन रुचि ने इस ऑफिस में कदम भी नहीं रखा। यार वो तो बाहर भी नहीं निकलते, कहीं बीमार मार तो नहीं है? बीमार बीमार कुछ नहीं, मुझे तो लगता है नरेंद्र ने कुछ गड़बड़ कर दी है। अरे वहाँ क्या गड़बड़ करेगा, पैसे में बड़ी ताकत होती है। तो तू क्या उसको कंगला समझता है? बहुत मोटी आसामी था बनवारी साला, खुद तो मर गया लेकिन उसको मालामाल कर गया। क्या मुंह क्यों फाड़ रहा है, यही सच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीना के घर के चक्कर लगाने की? क्यों, उस गली में क्या तेरा नाम लिखा है? तू ही चक्कर लगा सकता है, हम नहीं। पहले बता दिया होता तो उस गली के चक्कर ही नहीं लगाते। अरे क्यों नहीं जाते, आज आप चिड़िया है, कोई भी दाना डाल सकता है। जरा सी भी हरकत करने की कोशिश करी तो भून कर रख दूंगा। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बैठो, मुझे सारे नेगेटिव चाहिए, चल नेगेटिव लेके आ। अरे अब हमारा क्या होगा? होगा क्या, लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने बच्चों का पेट पालते हो? अरे थू है तुम पर। बहुत महंगा पड़ेगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब। हाँ साहब, कत का लेम तो मेरी मेरी हमारा वाला 1000 रुपया। अच्छा हाँ, इधर कत का बुना था? अबे बोल रहा हूँ, हम क्या कत का किस्त बनी थी हमारी? हमारी किस्त 200 रुपया। 200 तो हम अबे ये क्या कहता, हम 300 रुपये बोल रहा था। अच्छा आज 300 हमारा जमा कर दिया। अच्छा 500 रुपये हमारे जमा कर रहे। नमस्कार नमस्कार। हाँ बेटा। हाँ क्या हाल जी जगत सिंह जी? नेक जी जरा मेरा हिसाब किताब देखा दी। तुम्हारे हिसाब किताब भाई साहब, अभी तुम पर 5000 रुपये कर्ज छे। परमिट है तो और कर्ज चढ़ो 3000 रुपये। आज दोबारा कर्ज लेना था मल गया। अरे भाई क्या करना, जरूरत इन पड़ गया, इनके जरूरत पड़ गया तुम थे भाई। वो जो तुम जरूर जानते छो कि मेरे घर में जो ज्ञानी दीदी आई थी ना, वो गाँव पता लग गया, अभी हूँ थे छोड़ना को हूँ घर जाऊँ छू। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी दीदी जन तुम्हारी दीदी चे उन्हें हमारी दीदी चे, और फिर यह धन संग्रह समिति हमारे यहाँ का बांध खुली चे। मैं सोचनु छू कि मैं ऊँ थी ये तरह से विदा करूँ कि जन के बहन थी अपने ससुराल जान दा हो मैद बैठे विदा कर दिन। अगर आप कर्ज लेके गंद फिर तो बेकार जा, हम लोग तो बेकार जा। बोला भाई बंधु आप लोग को कह रहा है? ठीक है जगत सिंह जी, बहुत पुण्य काम करना जी। आज मैं थी अपना उत्तरांचलीय समाज पर बहुत गर्व छ कि ये प्रदेश में हम अकेला नहीं छो, अपन सुख दुख में आपद विपदा में हम सब एक दूसरे की मदद करना छो, ये से बड़ो गर्व की बात हम खुद कुछ नहीं हो सकती। ठीक है जगत सिंह जी, बोल हम सब आपका घर पर रहला और ऊँ तय इज्जत सम्मान से एक बड़े विदा कर ला, और हम मेरी भी हार्दिक इच्छा छे कि ऊँ तय हम अपने तरफ बेटे कुछ ना कुछ उपहार दिया। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप मिथई इतना साहस दिया, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। बचाओ मेरी दीदी को। Oh, no, 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 no,
मैं तो समझा था कि यहाँ एक ही है पर यहाँ तो दो दो है। मीना घबरा मत, तो बिल्कुल ठीक है। नीरू, अगर आज तुम नहीं आती तो वो लोग मुझे मीना रो मत, वो लोग तो अब जेल की हवा खा रहे होंगे। वैसे भी नरेंद्र ने उनको दिन में दारी जो दिखा दी है। नरेंद्र भैया को उन्हें भी पता चल गया, अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी। पगली कुछ नहीं हुआ है, तू अपना मूड ठीक कर, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। मैं कह दूंगी कि मैं तुझे लेके गई थी। नीरू, तुम कितनी महान हो, तुम्हें देख के लगता है कि नारी सशक्त है। कहानी ये सब मेरे माता के पीते।
हे भगवान सकल भी याद नहीं चाचा दादी फोटो भी आजी मैं भी नहीं कहना ना भाई साहब ना ये जो सब है ना ये सब अच्छे हुए चाचा चाचा नॉन चुम्यूंग पर कभी नहीं सोच कि मेरे माँ ककवेल और कनवेल नए जमाने के चक्का चौंध में हर जवानी के जोश में सब बिसर गयो मैं बिसर गयो कि मेरे माल कन के हम पर आ जा कन के बड़ा करा और आज ये परदेश में अपन माते धक्का खाने को छोड़ दे बेकार च मेकड़ी हम तो माफ कह दो हम तो माफ कह दो अच्छा तो तुम ही छा ज्ञानी देवी का सुपुत्र अरे धिक्कार च तुम पर हैं
देवी जन मात है ठोकर खान पर मजबूर कर दिया तुम अपना स्वार्थ खातिर तुम ही थे डर बटेक लाया किले किले की तुम्हारी अपनी जरूरत छे छोटा छोटा बच्चा छे तुम थे एक नौकरानी चाहनी छे और जब अपनी जरूरत पूरी होगी ना तुम ही थे कुछ ना करना चुला दिया हमारी भाग फुटे छे कुमत हुई छे हमारी जो हम जी कदर नहीं का हम दे तो भगवान में माफ नहीं करो आज तक मैं सोच छाई कि मेरे कोई औलाद नहीं छे मीठा दुख भी हूं छे पर आज भगवान ने ठीक ही कही कि मीठा कोई औलाद नहीं दे मीठा खुशी छे अरे अगर औलाद तुम जन हो ना तो इन औलाद से तो निर्वज हो बोल छे चल जाओ एक बटे अरे तुम जना लोगों तो परछाई भी नहीं पड़ दूल मैं अपने घर पर हम तो माफ कर दो हम तो माफ कर दो दीदी हमसे गलती हो गया हम तो माफ कर दो जी हम तो माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ ये वक्त तक मार्च वक्त सब कुछ दिखे दिन आज मैं तो एहसास होने से कि कर्म फल जरूर मिले माँ मम्मी तो माफ कह दे चल चलो घर चल माँ नरेंद्र तू ही समझा माँ जी थे चलो घर चल माँ बेटा भी घर ही तो जानो जो भाभी जी माखन केवन इन कर दा अब हम सभी गुड़ा झोला हाँ बेटा हम सब गुड़वाल झोला वो गिरोला वो अब हमारे घर च वो गिरोला हम कि लेकर हम ये प्रदेश में धक्का खाना है क्या चाहिए कुछ नीच सुबह उठो तो रात एक चिंता रात जवा तो सुबह ही बिगड़ हर वक्त दुविधा मरी दो हर वक्त दुविधा मरी दो सब सुविधा मारक बाद में हम लोग बेचैनी मां जीना जाओ संतोष नीच सुख नीच पर मिता ही बातें खुशी च कि तुम लोगों के संस्कार अभी बचा जन तुम लोगों के संस्कार अभी बचा जन मेरे बाबा यूं तक कभी मरण नहीं दिया बेटी तुम हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है बेटी तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो चलो बेटी घर चलो तुम तो उस साधु से भी ज्यादा अंतर्यामी निकली तुम्हारे कदम दिल्ली में पड़ते ही हम आबाद हो गए चलो बेटी घर चलो मैं घर जरूर चलूंगी क्योंकि वो घर मेरा भी है मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तो और कहां जाऊंगी लेकिन उसी सम्मान के साथ जिस सम्मान के साथ मुझे मेरे घर से
विदा किया गया, ठीक उसी सम्मान के साथ अपने दूसरे घर में प्रवेश करना चाहती हूँ। मतलब? यही, मुझे वो लेने आए। आएगा बेटी, उसे जरूर आना होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। जाओ जी जाओ, मेरे बेटे को जल्दी लेके आना, तब तक मैं यही अपनी बहू के पास बैठी हूँ। ठीक है, तुम यही बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ताराचंद मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहाँ खो गया था तू? आंखें थक गई तुझे देखने को, कहाँ था तू अब तक? अरे कैसा है तू? मैं आ तो गया मेरे भाई, बहुत बुरे दिन थे, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं चंद्रगुप्त को लेने आया हूँ मंचा। मुझे मालूम है, चंद्रगुप्त को एक दिन जाना पड़ेगा, शायद इसीलिए हमसे इतनी मोहब्बत करता है। चंद्रगुप्त मेरे बेटे। पिताजी, पिताजी। चलो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। चलो पिताजी, जल्दी चलो। हाँ हाँ, जल्दी चलो। बाबूजी। जा बेटा जा, तेरी माँ तेरे इंतजार में परेशान हो रही होगी। भाभी, मैं जा रहा हूँ भाभी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अच्छा भाभी, चलता हूँ। ये लो मंशा, ये तुम्हारी अमानत है। भाई को शर्मिंदा मत करो ताराचंद। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तो क्या मंशा, सात जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा। फर्ज को एहसान की संज्ञा देकर इंसानियत के रिश्ते को गाली मत दो ताराचंद, मत दो। भाई मंशा, मेरे भाई, क्या बताऊं, जो तुमने मेरे लिए किया मैं उसे भूल नहीं सकता। तुमने मेरे बेटे को अपने पास रखकर जिस तरीके से उसकी परवरिश की है, मैं उसके लिए लाखों धन्यवाद देता हूँ तुमको। मेरे भाई मंशा, लाखों धन्यवाद देता हूँ। नहीं ताराचंद, नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अरे ये तो मेरा फर्ज था। आ बेटे, तुझे उस अंतर्यामी साधु से मिलाते हैं जिसके कारण आज हम सब एक बार फिर मिल पाए हैं। पिताजी, कहाँ है वो साधु? मेरे लाल, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? बरसों हो गए तुझे देखे। माँ, माँ। बेटा, माँ। बेटे, माँ, माँ। मेरे लाल, माँ। मेरा बच्चा, माँ। ओए ओए, मेरी माँ, मेरा बेटा। आ बेटे, तुझे उस अंतर्यामी साधु से मिलाते हैं जिसके कारण आज हम सब एक बार फिर मिल पाए हैं। पिताजी, कहाँ है वो साधु? वो देख बेटा। स्वामी। हाँ मालती, तुम? मुझे माफ कर दो मालती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है स्वामी, वो वक्त ही बहुत बुरा था, अब भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया है। आओ आओ, चलो घर चलते हैं। लक्ष्य निरंजन। महाराज, आप? भूख लगी है बच्चा, चलो महाराज, आइए आइए महाराज आइए।